खबर इस वक्त की मिल रही है वो भी पहले दर्शकों को हम बता देते हैं। अहम खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई। नंदीग्राम में अब शुभेंदु के काफिले के ऊपर हमला हुआ है। नंदीग्राम में शुभेंदु के काफिले पर हमला। अच्छा, सुबह से इस काफिले का साथ लगातार सरफराज सैफी चल रहे थे, लेकिन बड़ी खबर आपको हम ये बता रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी जो अलग अलग जगहों पर सुबह से जा रहे हैं उनके काफिले पर हमला हुआ। श्वेता का मैं रुख करती हूँ, श्वेता आपके पास क्या जानकारी? देखिए शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से लगातार तमाम बूथ्स पर जा रहे थे और खुद सरफराज सैफी उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया भी था कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी खुद ये जाकर देख रहे हैं कि कहीं किसी बूथ पर कोई झमेला तो नहीं है करने और के लिए। किस तरीके से ये लोग मेरा सामने आने के लिए इसका कोई साहस नहीं है। ये पूरा ये सब पाकिस्तानी का काम है। ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लेकिन कर रहा है, इसलिए मैं बहुत आया। मेरा सामने कुछ नहीं किया, मैं वापस जाने के बाद थोड़ी देर पहले किया। ये आप पूरा देश को जानना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है, शुभेंदु अधिकारी ने कहा। पाकिस्तान की एक बार फिर से एंट्री हो चुकी है। श्वेता बिल्कुल निशाली, और ये जाहिर सी बात है दूसरे चरण का चुनाव ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और खुद शुभेंदु अधिकारी किस तरीके से बाहर निकले थे, पोलिंग बूथ पर जा रहे थे। देखिए पोलिंग बूथ पर जाकर देखना जरूरी बहुत है क्योंकि पोलिंग एजेंट भी जो है उनको भी जाने से रोका जा रहा था। ये भी सुबह से हम खबर दिखा रहे थे कि कई जगह बीजेपी के जो पोलिंग एजेंट है उनको बूथ पर जाने से रोका जा रहा है। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी जो है वो अपने काफिले के साथ निकले थे। सरफराज सैफी हमारे सहयोगी लगातार उनके साथ थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला ये बताता है कि किस तरीके से रक्त चरित्र वापस से बंगाल में देखने को मिल रही है। हालांकि सुबह से अगर बात करें तो छोटे मोटे झमेले नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जी मीडिया की गाड़ी को अटैक किया गया, हमारी सहयोगी पर अटैक किया गया, उसी तरीके से अब शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर भी हमला किया गया है। देखिए श्रोता, इस वक्त की बड़ी खबर मेरे को मिल रही है, टाकापुर इलाके में शुभेंदु अधिकारी काफिले पर पत्थर मारा गया है। ये मुझे जानकारी मिली है, टाकापुर इलाका है, उनके दफ्तर से मुझे बताया गया है पत्थर मारा है। शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल सुरक्षित सही सलामत है, चूंकि जिस गाड़ी में शुभेंदु अधिकारी थे उसको कोई क्षति नहीं हुई है, लेकिन जो उनके काफिले में जो गाड़ियां चल रही थी उस पर पत्थर मारा गया, शीशे पर पत्थर मारा है, जो मुझे जानकारी मिली है उनके दफ्तर से। टाकापुर में नंदीग्राम में तकरीबन 24 गांव के आसपास में उनके साथ घूमा हूं, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद शुभेंदु अधिकारी यहीं पर आने वाले हैं। उनके काफिले पर पत्थर मारा गया है, एक पत्थर मारा है और ये तस्वीर लगातार मैं मौजूद था, लगातार मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, चूंकि शुभेंदु अधिकारी के काफिले के साथ में सुबह से मौजूद हूं, लगातार मैं पल पल की तस्वीरें दिखा रहा हूं, चूंकि शुभेंदु अधिकारी का काफिला इतनी तेजी से चल रहा था मुझे रुकना पड़ा और रुकने की वजह से मैं आपको खबरें दिखा रहा हूं। चूंकि शुभेंदु अधिकारी के जिस गाड़ी में बैठे ब्लैक कलर की गाड़ी थी वो सुरक्षित है, लेकिन उनके पीछे जो एस्कॉर्ट गाड़ी चल रही है तकरीबन 10 से 12 गाड़ियां उनके साथ में चल रही है, एक गाड़ी पे पत्थर पड़ा है और उसके बाद में वो काफिला फिर से आगे रुक गया। चूंकि मुझे आपको खबर ब्रेक करनी थी इसलिए मैं रुक गया था। आपको बता रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पत्थर से हमला किया गया है। शुभेंदु अधिकारी सही सलामत है, ठीक है, किसी को कोई चोट नहीं आई है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है वो कहीं देखने को बनता है। चूंकि जिस तरीके से लगातार हम भी देख रहे हैं, हमारी सहयोगी पर, महिला सहयोगी पर हमला हुआ, उसके भी काफी ज्यादा चोट लगी है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर पत्थर फेंका गया। चूंकि जिन इलाकों में हम लगातार घूम रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ में, उन इलाकों में लगातार विरोध हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार लोग बेकाबू है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर पत्थर मारना इसका मतलब क्या है, चूंकि लोगों में बौखलाहट है, लोगों में नाराजगी है, चूंकि जैसे जैसे मतदान हो रहा है लोगों में गुस्सा हो रहा है, नाराजगी हो रहा है, और अब से थोड़ी देर के बाद यानी इस पूरे मसले को लेकर चुनाव आयोग भी संज्ञान लेगा, चूंकि शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला होना कई सवाल खड़े करता है। मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, कई सवाल खड़े करता है। शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर अटैक हुआ है, हालांकि काफिले पर अटैक हुआ है, गाड़ी पर उनकी सही सलामत है, चूंकि जिस गाड़ी में बैठे थे शुभेंदु अधिकारी को वो ठीक है, लेकिन दूसरी पर हमला हुआ है, उस पर पत्थर से अटैक किया गया है, उससे पत्थर से अटैक किया गया है, और लगातार इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो अधिकारी है वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी भी अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, चूंकि उनकी गाड़ी पर पत्थर से करना ये बड़ी बात है। श्वेता मेरे साथ है, श्वेता बताइए क्या खबर है आपके पास?
बिल्कुल सरफराज, जिस तरीके से हम लगातार एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, आप सुबह से ही शुभेंदु अधिकारी के साथ थे और काफिले पे हमला करना ये बौखलाहट दिखाता है। देखिए जहां जहां से खबर मिल रही थी, जब आप सरफराज वहां पर मौजूद थे, शुभेंदु अधिकारी अपने घर पर मौजूद थे, तब आपने ये कहा था कि शायद वो बाहर ना निकले, लेकिन खबर जब आई कि बूथ पर एजेंट को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, बीजेपी के कई एजेंट जो है उनको नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, वजह यही है कि शुभेंदु अधिकारी को अपने घर से निकलना पड़ा और वो बूथ बूथ जाकर देख रहे थे कि कहीं बूथ जाम तो नहीं किया गया, तो उनके काफिले पर हमला। जब ये श्वेता, हम जरा गाड़ी की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा दें, ये वही गाड़ी है शुभेंदु अधिकारी के काफिले की जिसके ऊपर हमला किया गया है, वो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी हालांकि सुरक्षित है, उनकी गाड़ी पर हमला नहीं हुआ, उन्होंने ये बोला क्योंकि काफिला उनकी गाड़ियों का बड़ा लंबा था। सुबह से सरफराज वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे किस तरह से एक के पीछे एक तमाम गाड़ियां शुभेंदु अधिकारी के काफिले में निकलती है। अब अहम खबर जो आपको हम बता रहे हैं, उन्हीं के काफिले में एक गाड़ी जिसके ऊपर अटैक किया गया था, उसकी मंशा क्या थी यह भी समझना होगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनकी यह कायराना हरकत है, टीएमसी के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया और